दोस्तों 3 दिन पहले मैंने आपको एक आइडिया दिया था LIC का, याद है? ये शेयर तैयार है अब फटने के लिए। जी हाँ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ LIC की। एक स्टॉक मल्टी ईयर बेयर मार्केट के बाद अपने इश्यू प्राइस और लिस्टिंग हाईस को क्रॉस करता है तो नॉर्मली उसमें बड़ी रैली आती है। LIC के केस में देखिए, LIC ने फाइनली अपना इश्यू प्राइस क्रॉस किया है, फाइनली, और ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस स्टॉक है। और देखिए आज कितनी बड़ी एंडोर्समेंट मिली इसको, सबसे बड़ी एंडोर्समेंट मिली आज, भला किससे? सुनिए जरा। आंखें ऊंची करके सुनाया चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड। प्रधानमंत्री ने खुद आके एक LIC के बारे में इतना बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया आपको। प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू इसकी अभी भी बाकी प्राइवेट प्लेयर्स से काफ़ी कम है। फॉरगेट प्राइवेट प्लेयर्स, SBI लाइफ का आधा है प्राइस टू एम्बेडेड बुक वैल्यू। तो ये मुझे लग रहा है कि क्लियरली यहाँ से भी शायद चलने को तैयार है। अब बताइए, और किसी एंडोर्समेंट की जरूरत थी? वैसे हमारी रील बनाने के बाद स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10% के करीब चल चुका है और मुझे लग रहा है ये तो अभी शुरुआत है। तो CNBC आवाज़ यानी मुनाफा पक्का। और अनुज ने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि LIC में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, फट जाएगा यहाँ से स्टॉक। और अब तो प्रधानमंत्री जी का भी एंडोर्समेंट आ गया अनुज। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मतलब मैं वही कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का एंडोर्समेंट आ गया और PMO में भी शायद CNBC आवाज़ देखा जा रहा है, पक्का देखा जाता है, पक्का देखा जा रहा है। और बिल्कुल मैं आज PSU से शुरुआत कर रहा हूँ शो की, इसीलिए क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देता है तो इसके लिए कल हमने बात भी की थी, वो जो कोटक की रिपोर्ट आई थी, भले ही वो रिपोर्ट ठीक हो लेकिन कुछ हो रहा है यहाँ पर। PSU की रैली में PM मोदी ने अपना खुद का ब्रांड लगा दिया, मेन चीज़ ये। PSU मतलब PM मोदी। आज की डेट में ये स्टॉक्स क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये बेसिकली PM मोदी का कॉन्फिडेंस है। इसके लिए मार्केट को लग रहा है कि इस बार ये चीज़ें अलग हैं और वो नंबर्स में भी से निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये हवा में आ रही है। जो कल प्रधानमंत्री जी ने, ये नहीं था कि रेटरिक था, ये बोल दिया कि नहीं बस PSU अच्छे हैं, उन्होंने नंबर्स गिनाए थे, उन्होंने नेट प्रॉफिट गिनाया था, उन्होंने नेटवर्थ गिनाया था, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। ये नहीं है कि बस हम, क्योंकि हम सिर्फ PSU पे बुलिश हैं इसके लिए हम ये बात बोल रहे हैं, नहीं, हम रीज़न बता रहे हैं आपको कि PSU पर रैली क्यों चल रही है और क्यों इस तरीके से कंटिन्यू करेगी। और ये अभी भी डिसबिलीफ वाली रैली है, अभी भी कई लोग मानने को तैयार नहीं है कि PSU में इस तरीके की रैली हो सकती है। और ऐसे 1-2 नोट और आ जाएंगे तो और स्टॉक्स मेरे ख्याल से अभी भी चलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक आप रेलवे को छोड़ दीजिए और एक डिफेंस को छोड़ दीजिए, वो ऑब्वियसली एक नए प्लेस हैं, वहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी थोड़े से महंगे हो गए हैं। एक्स ऑफ दैट बाकी PSU में मुझे लग रहा है अभी भी वैल्यूएशन रिलेटिवली बहुत कम है। मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल हमने LIC की बात की थी, LIC की प्राइस टू एम्बेडेड बुक वैल्यू, मैक्स फाइनेंशियल ऑब्वियसली एक चीप प्लेयर है तो उसके आसपास है, लेकिन SBI लाइफ, ICICI प्रू से आधी, HDFC लाइफ से तो काफ़ी कम है, ठीक है ना, जबकि सबसे बड़ा प्लेयर है। अच्छा, कल के आपने नंबर्स देखे होंगे इंश्योरेंस प्रीमियम्स के, सिर्फ 2 ही नंबर्स अच्छे थे, एक मैक्स के, एक LIC के, ठीक है ना। SBI कल SBI ने भी मुंह दिखाना शुरू किया और ऑल टाइम हाई पर आया। SBI का ट्रेड करना ICICI बैंक के 1/3 प्राइस टू बुक, मतलब मुझे तो नहीं जमता, मतलब क्यों? जबकि आप अगर नंबर्स देखें पिछले 1 साल से 2 साल से इस पर लगातार शानदार नंबर्स डिलीवर कर रहा है, एसेट क्वालिटी हो चाहे नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो चाहे कुछ भी हो। तो इसके लिए अगेन एक चीज़ जो निकल कर आ रही है, बुल मार्केट के लीडर्स होते हैं और वो लीडर्स में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है उनको होल्ड करके। ये आप पिछले 2 बुल मार्केट उठा के देख लीजिए, इस बार के बुल मार्केट के लीडर्स PSU हैं और PSU में होल्ड करके पैसा बनेगा। ये निफ्टी का CPSE इंडेक्स देखिए, मतलब और कुछ नहीं, आपने सिर्फ अगर ETF लेकर रखा है इसका तो 1 साल में पैसा डबल हुआ है। तो स्टॉक्स में तो खैर बहुत ज़्यादा बनाई है, लेकिन ये एक रीज़न है। और उसमें एक और रीज़न मैं जोड़ देता हूँ क्यों इतनी बड़ी रैली हुई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। बजट वाले दिन हमने एक व्यू लिया था कि OMCs कैरी करें, क्योंकि वो बजट में जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर था और जो बजट में सारी बातें की गई थी इलेक्शन बजट में, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि पॉपुलिज्म की जगह नहीं है। जब आप बिना पॉपुलिज्म के अगर इलेक्शन जीत रहे होते हैं ना, तो एक गवर्नमेंट का, एक लोगों का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। कल मैंने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बोली थी आशीष, वही लोग जो पिछली सरकार के टाइम पे इतना ज़्यादा बोलते थे, वोकल होते थे कि पेट्रोल डीजल के प्राइस कम क्यों नहीं हो रहे, वही लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हैं। अगर देखिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो जो पैसा है वो अच्छी जगह सही जगह यूज़ हो रहा है, इकोनॉमी में यूज़ हो रहा है, तो लोगों को वो देने में खलता नहीं है, ठीक है ना।
बस लोगों को लगता है चलिए ठीक है पंप पे ज़्यादा प्राइस दे देंगे उससे ज़्यादा तो हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, मतलब अगर वो स्टॉक उससे ज़्यादा चल जाएंगे तो इसके लिए वाई नॉट। इनफैक्ट ये तो बहुत लोग बोलते हैं कि कभी भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट आपको अगर बहुत महंगे लगे तो उनको तो लीजिए ही, साथ में उनका उसका शेयर भी ले लीजिए, क्योंकि वो जितना आप उनको देंगे उससे ज़्यादा आप वो शेयर के थ्रू बना लेंगे। तो यही मेरे ख्याल से अभी जो पॉलिसी है ये रिटेल लगा रही है और इसीलिए इस तरीके का पैसा रिटेल का बन रहा है पीएसयू से। अनुज आप कह रहे हैं, मैं ऑयल चूंकि मैं बहुत करीब से देखता हूँ, इंडियन ऑयल का प्रॉफिट 48,000 करोड़ का है, मार्केट कैप 263,000 करोड़, अगर आप 10 के भी रखो ना तो यहाँ से भी ये स्टॉक डबल हो सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हाईली अंडरवैल्यूड है सारे ओएमसीज आज भी इतना चलने के बाद। एब्सोल्युटली बिल्कुल 100% वही बिल्कुल, इतनी अंडरवैल्यूएशन है यहाँ पर। अच्छा, अंडरवैल्यूएशन हमेशा रही है लेकिन अब क्या है, अब वो निकल कर आ रही है क्योंकि अब ऑब्वियसली वो नंबर्स में डिलीवर हो रही है। इसके लिए अब सरकारी रहने से डर नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, सरकारी होने का डर था इन कंपनीज का। खैर, ये है बढ़िया सा वो पीएसयू, उस पर चर्चा और पीएसयू रैली तो आपने सीएमबीसी आवाज के साथ बहुत ब्यूटीफुली बनाई, इंक्लूडिंग एलआईसी जो पिछले कुछ दिनों में ही गजब का कमाल करना शुरू कर चुका है। आज वैसे एलआईसी के नंबर्स और आज इंटरिम डिविडेंड भी आना एलआईसी का, देखते क्या निकल कर आता है वहां पर। लेकिन और डिटेल में बाजार की बातचीत की शुरुआत करेंगे, आज के इंपॉर्टेंट सेशन को अप्रोच करेंगे। इंपॉर्टेंट क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी, इंपॉर्टेंट क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का दिन,